अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जो सर्जरी करने जा रहे हैं ये रिपेयर सर्जरी है। बेसिकली पेशेंट ये जो हमारे हैं, इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनके ये बीयर्ड वाले एरिया पे ये स्कार आ गया, और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से सारे बाल गायब हो जाएंगे, हो गए हैं यहाँ से और यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ग्राफ फ्रॉम बैक ऑफ हिज हेड एंड प्लेसिंग ऑन दिस स्कार, और इंशाल्लाह ये जैसे इनकी नेचुरल इस साइड पे बालों की डायरेक्शन और ग्रोथ है, इंशाल्लाह हम इसको मैच करके बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, उसी डेंसिटी में ये सारा करेंगे। अब हम इस पहला स्टेप ये होगा कि हम कैलिब्रेट करेंगे, यहाँ से एक बाल निकालेंगे, उसकी डेप्थ के मुताबिक अपना साइज सेट करेंगे कट का। फिर उसके बाद यहाँ पे इंसीजंस बनाए जाएंगे जिनको हम साइटिंग कहते हैं। उसके बाद हम बैक से बाल लेंगे सेकेंड मरले में, और फिर तीसरे मरले में यहाँ बाल लगेंगे। देखें कि अब हम यहाँ साइटिंग कर रहे हैं। साइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी डायरेक्शन बालों की, जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसको फॉलो करना होता है। अब चूंकि ये बाल इस तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमने अपना जो एंगल है वो बहुत ही एक्यूट रखा हुआ है, नॉट मोर देन 10 to 15 degree, ताकि बाल जो हैं वो स्किन के साथ बिल्कुल हों। जिस तरह एग्जिस्टिंग हेयर है उसी तरह जो नए आने वाले बाल हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन और उसी एंगल में हो। इसमें एंगल और डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए हमने ये जो आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ है, और एंगल डायरेक्शन ये है और ये एंगल ये है, ये डायरेक्शन है और ये एंगल है। तो हमारी डायरेक्शन भी एग्जिस्टिंग एयर के साथ है और एंगल भी एक्यूट है, जो बिल्कुल स्किन के साथ जैसे बाल बाकी हैं उसी तरह होगा।